आज हम डिस्कस कर रहे हैं SSC MTS 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा इवनिंग शिफ्ट का ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिया जो है इज ऑलरेडी, वो पहले से ही क्या है, द थर्ड लार्जेस्ट, मतलब तीसरे नंबर की सबसे बड़ी एविएशन मार्केट है। एविएशन मतलब यहाँ समझ लीजिए कि वायुयान के माध्यम से यात्रा करना, ठीक। तो ये थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है, और किस मामले में, इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवल, मतलब घरेलू यात्रा के अगर मामले की बात करें तो जो भारत है वो थर्ड नंबर की सबसे लार्जेस्ट एविएशन मार्केट माना जाता है, अगर घरेलू यात्रा की बात की जाए तो, ठीक। अब इसमें हम एरर की बात करें, देखिएगा ध्यान से देखें एक एक शब्दों को। देखिए इंडिया क्या है, एक कंट्री है, तो वो सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए इज लगाया जाएगा। ऑलरेडी पहले से क्या है, द थर्ड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री पहले द का यूज़ होता है, तो देखिए थर्ड लार्जेस्ट आ गया, तो थर्ड लार्जेस्ट ये सुपरलेटिव काम कर रहा है, इसलिए इसके पहले देखिए द का भी यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ तक बिल्कुल सही है। और थर्ड लार्जेस्ट क्या है, ये है एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को अपना नाउन भी चाहिए, और नाउन क्या है, यह एविएशन मार्केट हमारा ये नाउन है, ठीक। तो एविएशन मार्केट क्या हो गया, नाउन आ गया, तो डिग्री को अपना नाउन भी मिल गया। और कहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ, तो टर्म्स के पहले इनका यूज़ किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ किस किसके, किस मामले में, ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवल। तो डोमेस्टिक क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को अपना नाउन चाहिए होता है, और ट्रेवल क्या है, ये एक क्या है, नाउन है, इसका अपना नाउन भी मिल गया। इसका मतलब ओवरऑल पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस हमारा नो एरर में जाएगा, क्योंकि सारे सेंटेंस की जो भी यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच है सब एकदम सही है, इसलिए सेंटेंस को हम नो एरर में यहाँ पे टिक करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर टी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा।